क्यों क्या हो गया प्रॉब्लम है? नहीं तो बहुत पीता आजकल तो सचिन होगा ऐसा तो कोई पीका नहीं ज्यादा हो रहा है सचिन ज्यादा हो रहा है कम करो काम का मेरा कहना क्या है कि बंद ही कर दो कर देगा कर देगा क्या क्या टेंशन क्या है तो बता तो तेरे बड़ा काम का प्रेशर है काम का प्रेशर सबको होता है यार मुझे भी है लेकिन मैं थोड़ी सिगरेट पीता हूँ ऐसा थोड़ी होता है मेरा नाम सचिन है काफी देर से मैं बैठा बैठा वहाँ से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसे आपसे बात करने की इच्छा हुई मैं आपके पास आया आप करते क्या हो जी मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ फील्ड एग्जीक्यूटिव करके अच्छा अच्छा मैं मेरा परिचय देता हूँ मैं एक एनजीओ मतलब एनजीओ संस्था के लिए काम करता हूँ तो मैंने जस्ट आपको देख रहा था सोचा आपसे बात कर लूँ कुछ दो चार बातें कर लीजिए आपसे प्यार मोहब्बत करूँ अच्छा मैं ये सोच आप मार्केटिंग में क्या करते हैं देखो मेरा बेसिकली हमारा कंपनी है लॉजिस्टिक का जिसमें पार्सल बेचते हैं भार्गव और नेशनल वाइड भी है अंतर्देशीय देशीय उसके लिए हमें मार्केटिंग फील्ड के लिए मुझे अपॉइंट किया गया अच्छा अच्छा तो मतलब ये आपका मतलब ये आपने जो चूज किया जॉब आप मतलब दिल से आप इसे करते हो या कैसा नहीं दिल से तो नहीं लेकिन पैसा कमाने के लिए करते मजा नहीं आता मजा नहीं आता काम करने का नहीं अच्छा मतलब जो एक आपको करना चाहिए मतलब जो आपके दिल में जो एक जॉब करने की इच्छा है वो जॉब आपको मिला नहीं अब तक अभी तक तो नहीं मिला अच्छा आप किस तरह का शौक है क्या शौक है आपको मुझे ना खेलने में ज्यादा शौक है खेलने में टीवी भी जैसे बोलते हैं अच्छा रेडियो पे जैसे बोलते हैं वैसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट है उसमें तो कभी आपको जिंदगी में ख्याल नहीं आया कि आपको इस फील्ड में इस क्षेत्र में आपको जॉब लेना चाहिए करना मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन सर ऐसा कभी मौका मिला नहीं अच्छा मतलब आपको इच्छा थी मेरी बहुत इच्छा है मेरे दिल से इच्छा थी कि चीज में जाना चाहिए रेडियो या टेलीविजन बहुत इच्छा है मतलब बोलने के लिए बोलने के लिए पर आपको मिला नहीं मिला कभी चांस ही नहीं मिला अच्छा ये मैं जस्ट आपकी बातों से जरा मैं थोड़ा सोचने लगा क्योंकि एक मेरे परिचित हैं पंकज जाठोले करके जो अच्छा रेडियो स्टेशन चलाते हैं अच्छा अच्छा और उन्हें काफी बार ऐसे आर्टिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है जिनकी आवाज अच्छी है आपकी आवाज भी काफी अच्छी है थैंक यू तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप चाहे तो मैं उनसे बात करके आपके लिए बात कर सकता हूँ जी जी बहुत बहुत अच्छा तो ये बोल रहा था कि आपको अगर मैं उनसे नंबर दूँ या मैं खुद उनसे पहले मैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ ठीक है फिर आपको कॉल करता हूँ ठीक है कोई बात नहीं आपका नंबर है हाँ है ना हाँ देता हूँ मैं दे दीजिए एक बताइए आपका नंबर 9819 2525 2020 क्योंकि रेडियो फील्ड में जहाँ तक देखा जाए तो ये सिगरेट पीने वाले मतलब सिगरेट नहीं पी जाते अच्छा अगर काम अगर दिल का मिलता है जिसमें दिलचस्पी लगती है पैसा भी मिलता है कोशिश जरूर हम मिलते हैं ठीक हाँ हेलो जी हाँ कौन सचिन बात कर रहे हैं हाँ हाँ मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ हाँ अभी हम मिले थे ना कुछ देर पहले जी हाँ जी मैंने पंकज यादव की बात के लिए आपको रेडियो के लिए हाँ हाँ जी उनसे आप मिल सकते हैं आप वहाँ पर जाइए और उनसे मिल लीजिए ऑडिशन लेंगे वो आपका देखेंगे कि आप उसके लायक हो या नहीं उसके बाद मुझे आप फोन करके बताइए क्या होता है